प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने खेती के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान और अटल बिहारी वाजपेयी के वाक्यांश जय विज्ञान को याद किया। उन्होंने कहा कि 109 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करना कृषि में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का एक ठोस परिणाम है। उन्होंने किसानों से बातचीत का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में अन्नदाताओं से मिलने का अनुभव यादगार बन गया। भाई है पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। सर इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। सर हम मार्केट से उसे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, खेतों में गूंज रहा है। किसान लोग बताइए नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? हाँ, ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था, हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोग ग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चे गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके किसान सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह, पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना ट्रिपल कट जाता। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछे। मैंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी है तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया कि उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।